सबका, तो आप इसकी दो पत्ती लें, नीम की दो तीन पत्ती ले लें, और ये गिलोय, गिलोय लगभग इतना इतना ले लें, और तीन चार तुलसी की पत्ती ले लें, और इसका मिट्टी के बर्तन में काढ़ा बनाएं और इसका सेवन करें, फिर देखिए। नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आइए, फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने। तो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि एक जड़ी बूटी का पौधा है, और एक नहीं बल्कि ये तीन है। तो आप देख लीजिए और अच्छी तरीके से पहचान कर लीजिए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइफाइड, हमारे एक व्यूअर ने, हमारे सब्सक्राइबर ने एक जो है हमें फ़ोन करके कहा कि टाइफाइड से हम परेशान हैं। तो टाइफाइड से, जिसको टाइफाइड, मोती झाला या मियादी बुखार इस तरीके से उसको कहा जाता है, तो ये एक बहुत ही, हम लोगों ने कह दिया ये मियादी बुखार, ये चार हफ्ता से पहले सही ही नहीं होना है, तो ऐसा नहीं है। चार हफ्ता से पहले सही होना है, पर हाँ ये जरूर है कि ये बुखार हड्डियों में बस जाती है, हमारे खून के साथ साथ चलती है, हमारे खून में मिल करके हमारे पूरे शरीर को, पूरे शरीर को तपा देती है, ये इस तरीके की बुखार है। तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है रहना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बुखार आखिर होती क्यों, क्यों हो जाती है, और इसका इलाज क्या है, और इसमें क्या परहेज करना है। तो मैं ये एक एक करके सब बताऊंगा, और इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसको, जड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो टाइफाइड बुखार है, मियादी बुखार है, मोती झाला है, तो आखिरकार ये हो क्यों जाता है। ये जो है साल मोनेला टाइफी नामक जो है एक डेथ वर्कर कीटाणु होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में सदवा, या तो हम गंदा पानी पी लेते हैं, साफ पानी नहीं पीते हैं, कई दिन का पानी है, या टीन डब्बों का भरा हुआ या बोतल का भरा हुआ पानी है पी लेते हैं, तो उसके जरिए हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है, या फिर बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें, या फिर बासी भोजन, या भोजन खराब हो गया है कि जहरीला खाना हो गया, तो जहरीला खाना हो गया, फूड पॉइजन हो गया, तो जिसको हम फूड पॉइजन या जहरीला भोजन कह देते हैं, उस प्रकार के भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर टाइफाइड बुखार, मियादी बुखार, या मोती झाला, मोती झाला देहातों में मोती झाला ज़्यादा कहते हैं, या मोती झारा भी कहते हैं, तो इस प्रकार से हो जाते हैं। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी मर्ज है वो सही होगा, सही होगा। पर हाँ ये है कि इसमें ध्यान ज़्यादा दे, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है इसमें, तो इसमें जो है कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको बुखार, मियादी बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ जाएगा, आपको उल्टी हो जाएगी, जी मिचलाने लग जाएगा, तेज बुखार, बेचैनी, भूख नहीं लगेगा, पेट दर्द बढ़ जाएगा, आपका पेट दर्द, तिल्ली का बढ़ना, इस तरीके से किसी काम में मन नहीं लगना है, लाल दाने भी शरीर के अंदर पड़ सकते हैं, लाल दाने भी शरीर के अंदर पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका प्रयोग यही है कि आप पट्टी को भिगा करके, कोई सूती कपड़ा ले और पट्टी को भिगा करके आप माथे में रखें, आप अपने यहाँ पे इस जगह इसको रखें, पानी निचोड़ कर, पानी शायद पानी निचोड़ दें उसको, पानी कम रखें, और इसको देखेंगे कि थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है, तो बार बार उसको ठंडा पानी, घड़े का पानी हो तो आप जो है रख दें, और ये डायरेक्ट बर्फ़ वगैरह से बचें, क्योंकि बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो नुकसान भी कर सकता है, तो इसलिए जो है आप कपड़े ही भिगा करके रखें, और कपड़ा ही रखा जाता है तो कपड़ा ही रखें, तो आप जो है कपड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे कि बुखार जो है कंट्रोल में हो रही है, कंट्रोल में हो रही है। और अगर ज़्यादा उल्टी दस्त आ रहे हैं उसको, उल्टी दस्त ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप जो है फर्स्ट एड में आपको क्या करना है कि नींबू पानी, आप उनको थोड़ा नींबू पानी दीजिए तो आप उनको आराम महसूस होगा। तो घरेलू इलाज जो है फर्स्ट एड करें, आप नींबू पानी दें, नारियल का पानी दे दें, तो आपको जो है देखेंगे देहातों में हमारे कहाँ नींबू पानी मिल पा, नींबू भी मिल, नींबू पानी तो मिल जाएगा पर ये नारियल वगैरह नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या करना, ठंडा पेय घड़े का पानी हो, या फिर जो है आप नींबू मिल जाए, नींबू का पानी, और इस तरीके से काला नमक अमूमन घर में लोग रहते हैं तो आप दे दीजिए, तो आपको देखेंगे
कि आपको उसको आराम लगेगा, उसको आराम लगेगा। और पानी ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिलाएं, फ्रिज का पानी ना दो। फ्रिज में अगर उल्टी आ रही है तो उसको जो है उल्टी से थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो टट्टी जा रहे हैं, पेचिस पड़ रही है, तो उसके टट्टी से भी ब्लड आ सकता है, तो उसमें कोई घबराए नहीं। आप इसको जांच कराएं, इसकी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद इसमें हाँ लापरवाही जरूर ना करें, क्योंकि ये वैद्य को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, किसी का हम इतराज नहीं कर रहे। आपको जहां भी दिखाना चाहें, अगर इस तरीके की समस्या आ सकती है, तो चाहे आयुर्वैदिक डॉक्टर को दिखाएं, या एलोपैथी को दिखाएं, या होम्योपैथिक को दिखाएं, तो आप इस तरीके से अगर इमरजेंसी आती है तो कहीं भी दिखा सकते हैं। इसको जो है तुलसी है, 2-4 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, 2-4 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। और आप देख रहे हैं ये है हमारे हाथ में नीम गिलोय, इसको पहचान लीजिए। ये देखिए गिलोय है और ये नीम की पत्ती वगैरह है, तो इसको कहते हैं नीम गिलोय। तो आप थोड़ा नीम गिलोय, थोड़ा नीम की पत्ती और 4-5 तुलसी के पत्ते इसका मिट्टी के बर्तन में काढ़ा बना लीजिए, मिट्टी के बर्तन में। और ज्यादा नहीं देना है, पहले थोड़ा दें, जिससे कि ये आपकी मियादी बुखार को, टाइफाइड बुखार को ये भगाने का काम करेगी, और धीरे धीरे ये आराम करेगी। पर अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, और उसके उससे समझ करके, क्योंकि कई ऐसी घरेलू जड़ी बूटियां हैं, केला खाते हैं तो आपको जो है मियादी बुखार में आराम लगता है। आप त्रिफला का भी खा सकते हैं, अनार का जरूर सेवन करें, आपके शरीर में ठंडक देगा। छाछ है, मट्ठा है, दही है, इसमें जीरा मिला करके ले सकते हैं, आपके शरीर को ठंडक देगा और ये आराम लगेगा। इसमें साफ पानी पिए, आप नारियल पानी ले आएं, आप फल जो है रस वाले फल का इस्तेमाल करें, खास करके धैर्य बनाए रहें, क्योंकि हमें कमजोरी बहुत महसूस होती है, तो धैर्य बनाए रहें, आपका इलाज सही होगा। आप इलाज कराएं और आपका मर्ज सही होगा, और जल्दी ही सही होगा, क्योंकि इसका नाम ही है मियादी बुखार, मोती झारा, टाइफाइड। तो इस तरीके से आप इसका इलाज करें, घबराएं नहीं, पानी से पूरे बदन को साफ करें। और जो भाई उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो उसके किसी भी कपड़े का इस्तेमाल ना करें, रुमाल है, तौलिया है, और उसके बर्तन हैं तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, साबुन से साफ करें, और उनके बर्तनों को इस्तेमाल न करें। गिलास वगैरह है उनके बर्तन अलग कर लें, और जो है उनका उनको हौसला बढ़ाएं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दें। आप रोटी है, आप मूंग की दाल है, और रोटी चपाती आप पतली रोटी बना करके दें, मूंग की दाल दें, उसमें तेल मसाला ज़्यादा ना मिक्स करें, और उसको मूंग की दाल देंगे तो उसको आराम ज्यादा से ज्यादा लगेगा। और फल ज्यादा से ज्यादा दें, फल ज्यादा से ज्यादा दें, अनाज कम दें उसको, तो आप जो है देखेंगे कि बहुत जल्दी आराम लगेगा। कोई भी मीठा पदार्थ ज्यादा गर्म, चाय है और कॉफी है, इस तरीके से कोई चीज नहीं देना। गर्म भोजन ज्यादा उनको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि गर्म चीज उनको नुकसान करेगी। तो आप जो भी दें ज्यादा से ज्यादा ठंडा ही देने की कोशिश करें, और आराम करें। आराम का मतलब ये नहीं कि जितना आप कर सकते हो, अगर आप चारपाई बैठ सकते हो तो आप चारपाई बैठे बैठे हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, और या चलने फिरने की स्थिति है तो आप चल फिर करके हल्के व्यायाम घर के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर जाने की स्थिति है तो बाहर जा करके कर सकते हैं। तो आप आराम तो करें, और इसके बाद सही होने के बाद आपको काफ़ी मात्रा में कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी महसूस होगी तो आप पहले शुरुआत में हल्का ही भोजन करें, वर्क ना करें, ज्यादा हार्ड वर्क ना करें, क्योंकि आपकी सांस फूल सकती है। तो इस प्रकार से आप टाइफाइड बुखार, मोती झारा बुखार, मियादी बुखार, तो इस तरीके से इसमें बचें, और बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और इसका जरूर सेवन करें, ये नीम गिलो। और ये ध्यान रखें, नीम गिलो और नीम और तुलसी वगैरह ये जो है शायद मिट्टी के बर्तन में ही काढ़ा बना करके दें, मिट्टी के। हाँ, हमने ये देखिए हर श्रृंगार है, ये हर श्रृंगार है, हर श्रृंगार का हम जिक्र करना ही भूल गए, तो ये हर श्रृंगार है। तो आप हर श्रृंगार का सेवन आप, और एक बात का ध्यान रखिएगा भाई बहन, अगर आप हर श्रृंगार का सेवन करते हैं तो आप नीम गिलोय का सेवन बहुत कम मात्रा में मिलाइएगा, क्योंकि नहीं बहुत तेज हो जाएगा। तो इसलिए आप इसकी अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी कैसे नहीं मियादी बुखार भागती है, जरूर मियादी बुखार भागेगी। आप सब्र बनाए रखें, हिम्मत करें,
और ऐसी ही जड़ी बूटी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और हमारा स्क्रीन में मोबाइल नंबर चल रहा है, कोई भी दिक्कत होने पे आप हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको सही गाइड करेंगे, सही दवा बताएंगे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन 1 बजे हमारी वीडियो आती है, तो हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है लाइक करें, वरना आप डिसलाइक करके आगे निकल जाएं। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।